अगर आप रोज रोज वही नाश्ता खाकर बोर हो गए हैं और कुछ आसान हेल्दी टेस्टी चटपटा झटपट बनने वाला नाश्ता बनाने की सोच रहे हैं तो सिर्फ 5 मिनट में गेहूं के आटे, पालक और बेसन से बनाए ये टेस्टी हेल्दी नाश्ता जो आपको बहुत पसंद आएगा, इसे बनाना बहुत ही आसान है। जब भी आपको सुबह छोटी सी भूख हो या फिर शाम की भूख के लिए, ये नाश्ता मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है और बच्चे भी इसे खुशी खुशी पूरा टिफ़िन ख़त्म करके आएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मैंने यहाँ पर एक बड़े से बर्तन में लिया हुआ है पालक। तो मैंने आधा कप पालक इस्तेमाल किया है जिसे मैंने वॉश करने के बाद बारीक कट करके रखा हुआ था। तो एक कप पालक मैंने यहाँ पर चॉप करा हुआ लिया हुआ है। इसमें मैंने डाली हुई है 2 बड़े चम्मच सूजी। अगर सूजी का मेज़रमेंट कप के हिसाब से ले तो ये 1/4 कप है। और इसको अपने हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे जो पालक के पत्ते हैं वो अच्छे से नरम हो जाए। 2 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे जिससे पालक के पत्ते अच्छे से नरम हो जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे बेसन। तो मैंने यहाँ पर 6 से 7 चम्मच डाला हुआ है बेसन। अगर मेज़रमेंट से कप से देखें तो मैंने यहाँ पर आधा कप डाला हुआ है बेसन। मैं यहाँ पर जो स्पून हम नॉर्मली यूज़ करते हैं खाने में, उसी स्पून से मैं यहाँ पर 6 चम्मच डाल रही हूँ बेसन। और इसको भी हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे पालक में जिससे पालक के जो पत्ते हैं वो अच्छे से मैश हो जाए यहाँ पर, और जो हमारा बेसन है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए, कोई भी लम्स ना बने। अब हम यहाँ पर डालेंगे पानी। अब पानी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी एक बारी में ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हाथों की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छे से मैश हो गया है यहाँ पर। और इससे क्या होगा, जो आपकी बेसन है उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी, लम्स नहीं आएंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हाथों की हेल्प से अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं गेहूँ का आटा। जितने चम्मच मैंने यहाँ पर बेसन इस्तेमाल किया है उसी चम्मच के हिसाब से मैंने यहाँ पर डाला हुआ है आटा। तो यहाँ पर गेहूँ का आटा भी मैंने यहाँ पर 6 चम्मच डाला हुआ है, 6 बड़े चम्मच, जो चम्मच हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। और अगर मेज़रमेंट से लिया जाए कप से तो यहाँ पर मैंने आधा कप लिया हुआ है गेहूँ का आटा। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। आप सारी चीज़ों को अगर हाथों से मिक्स करेंगे तो कोई भी लम्स नहीं बनेंगे इसमें। और अब पानी डाल करके इसका एक पतला सा घोल बनाएंगे। हमें बैटर को पतला रखना है तभी नाश्ता नरम और पतला पतला बनकर तैयार होगा। तो ये बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुछ सब्जियाँ। तो सब्जियाँ आप अपनी चॉइस की डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाली हुई है 2 से 3 चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज। 2 बड़े चम्मच डाले हुए हैं मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च जो कि मैंने बारीक कट करके रखे हुए हैं। आधा इंच डाला हुआ है अदरक जो कि मैंने ग्रेट करके डाला हुआ है। और 2 हरी मिर्च है जो कि मैंने बारीक कट करके रखी हुई थी। और साथ में डाला हुआ है टमाटर। टमाटर के सीड्स हटाने के बाद मैंने चॉप कर लिया है और वो भी यहाँ पर ऐड कर दिया था। 2 बड़े चम्मच मैंने टमाटर डाला हुआ है। और फ्रेश कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पर। आप देख सकते हैं अभी जो बैटर है वो काफ़ी गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी अभी और ऐड करूँगी क्योंकि हमें बैटर को थोड़ा सा पतला रखना है। तो बैटर को हमको बिल्कुल पतला रखना है। तो अगर मेज़रमेंट से लें तो मैंने यहाँ पर 300 ml पानी डाला हुआ है, यानी कि 1/4 कप पानी का इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ पर नमक डाला है स्वाद अनुसार। 1/4 टेबल स्पून डाली हुई है हल्दी। 1 चम्मच डाला हुआ है यहाँ पर धनिया पाउडर। और 1/2 चम्मच डाला हुआ है यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 टेबल स्पून डाल रही हूँ यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर जिससे इसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, एकदम चटपटी से बनके तैयार होंगे हमारा नाश्ता। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद मैं इसको इस पर ढक्कन लगा करके इसको 10 मिनट का रेस्ट दूंगी क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ है थोड़ा सा बेसन और आटा, और आटा और बेसन और सूजी सब चीज़ें फूलती हैं। तो उसको 10 मिनट का रेस्ट देंगे। 10 मिनट का रेस्ट देने के बाद मैंने यहाँ पर चेक किया है, हमारा बैटर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है।
आपको बैटर को पतला रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैंने रखा हुआ है तवा गैस पे, और गैस का फ्लेम यहाँ पर बिल्कुल लो कर देंगे। हल्का सा ऑयल लगाएंगे, आप चाहे तो इसको बिना ऑयल के भी बना सकते हैं। बिना ऑयल के भी ये नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनके तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पर नॉनस्टिक पैन रखा हुआ है, आप इसको अच्छे से ग्रीस कर देंगे ऑयल से, और उसके बाद लो फ्लेम पे बैटर को डालेंगे। और बैटर को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से फैला लेंगे, एकदम पतले पतले से बना करके रेडी होंगे ये। तो मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से फैला दिया है, और अच्छे से फैलाने के बाद हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से सिकने देंगे, जब तक ऊपर से जो हमारी लेयर है वो ड्राई ना होने लगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाला हुआ है यहाँ पर आधा चम्मच करीबन ऑयल, जिसको अच्छे से मैंने स्प्रेड कर दिया है। यहाँ पर हमने इसे पलट लिया है, आप देख सकते हैं जो पीछे की लेयर आई है कितनी बढ़िया आई हुई है, गोल्डन ब्राउन सी। तो ये हमारा टेस्टी सा नाश्ता बन के बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम दूसरा भी बैटर यहाँ पर डाल देंगे। ये मैं बिना ऑयल के बना रही हूँ, आप देख सकते हैं बिना ऑयल के भी ये बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। यहाँ पर मैंने एक बूंद भी तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। बैटर को अच्छे से फैलाएंगे, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। जब ऊपर से एकदम ड्राई हो जाए तो हम इसको पलट करके सेक लेंगे। तो गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है। तो ये हमारा बिल्कुल झटपट बनके तैयार हो चुका है, 5 मिनट में बनके तैयार होता है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलती रहूँगी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।